व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में, जो कि हमारी बेसिकली फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, इसके अंदर हम अगेन अपने स्टाइलिंग के पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली मेरा सीसेस का पार्ट है, जिसे हम लोग बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं। और अगेन दिस सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाई नई सुबह फाउंडेशन इन कोलेबोरेशन विद टीपी वर्ल्ड कराची। ठीक है, तो इस सेक्शन तक, मतलब इस लेक्चर तक हमारी HTML की आज पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और आज हम ऑफिशियली अपनी स्टाइलिंग का पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आज की टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं। तो टोटल 5 डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर अगेन इंट्रोडक्शन टू सीएसएस हम पढ़ेंगे कि सीएसएस क्या होता है। सेकंड, हम सीएसएस के सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे 3 वेज जिसके थ्रू हम सीएसएस को ऐड कर सकते हैं इन ओवर HTML, और वो नीचे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ये 3 तरीके हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। एंड फोर्थ में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम सीएसएस सिलेक्टर्स की मदद से किस तरीके से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर उनको स्टाइल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर हम लोग ये देखेंगे कि सीरीज के अंदर अगर मुझे कोई कमेंट्स मेंशन करने हैं तो हम वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ अगेन चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना सिंपल वर्ड्स के अंदर डेफिनेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि इट्स अ लैंग्वेज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट को अगर आपने स्टाइल करना है तो यू आर गोइंग टू नीड दिस CSS, विच स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और अगेन CSS का सिंपल मकसद ये होता है कि ये डिफाइन करता है कि आपका एलिमेंट जो है वो वेबसाइट पर किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, और उसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं सीएसएस के सिंटेक्स की बात करूं तो आपके पास स्टार्टिंग में यहां पर जो है वो एक सिलेक्टर टैग होता है। ठीक है, वो हम सीएसएस सिलेक्टर्स के टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर मेंशन कर दूं कि सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास स्टार्टिंग करली ब्रैकेट होता है और एक एंडिंग करली ब्रैकेट होता है। ठीक है, और उसके अंदर अगेन आप प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ को स्टाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में सिलेक्टर, उसके बाद स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, फिर प्रॉपर्टी का नाम, फिर वैल्यू, और फिर ये सेमी कॉलन। ठीक है, और उसके बाद आप अगेन आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं, और फिर एंड में हम बेसिकली ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगेन इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ सीएसएस सिंटैक्स लुक्स। इसकी हम बेसिकली जो है ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और मैंने VS कोड के अंदर एक वेबसाइट का फोल्डर ओपन किया जिसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल क्रिएट की हुई है, जो बेसिकली index.html। और यहाँ पर मैंने सिंपल एक HTML5 का बॉयलरप्लेट कोड जनरेट किया हुआ है। ठीक है, इसको टाइटल में चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ कि इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगेन हम जो है वो इस कमिंग और लेक्चर्स में स्टाइलिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम वो 3 डिफरेंट तरीके देख लेते हैं जिसके तरीके से हम बेसिकली सीएसएस को हम ऐड कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं आया था अपने ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं W3 Schools की साइट पे खड़ा हूँ, और मैंने अब हम HTML के सेक्शन से निकल कर CSS के सेक्शन में आ चुके हैं। अगर आपको ये सेक्शन देखना है तो अगेन हम HTML कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन ये CSS का ऑप्शन जो टैब है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन CSS से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैंशन होंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे CSS हाउ टू के इस सेक्शन से। तो आप बेसिकली इस सेक्शन को जैसे क्लिक करेंगे तो हाउ टू से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पर अगेन उसने सवाल ये किया हुआ है कि हाउ टू ऐड CSS। ठीक है, और यहाँ पे W3 Schools की साइट में मेंशनड है कि बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट CSS। एक होता है एक्सटर्नल तरीका, दूसरा होता है इंटरनल तरीका, और तीसरा होता है इनलाइन तरीका। ठीक है, अब आप यूँ समझ लें कि इनलाइन सीएसएस का जो तरीका है वो लीस्ट रिकमेंडेड है, मतलब इसको लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप इस तरीके से सीएसएस लिखें। और सेकंड तरीका इंटरनल सीएसएस का है, जिसको सम हाउ कुछ लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस की, तो अगेन इस सीएसएस को लिखने का बेहतरीन तरीका होता है एक्सटर्नल सीएसएस, और सारे के सारे लोग इसी एक्सटर्नल सीएसएस के मेथड को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको, इन तीनों मेथड्स को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले इनलाइन सीएस का मेथड है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर इनलाइन सीएस का सेक्शन मिल जाएगा, और इसके अंदर अगेन सिंपल वर्ड्स में ये मेंशन किया हुआ है कि इनलाइन सीएस में आप बेसिकली जो है वो हर एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बेसिकली आपको नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सिंपली एक एच1 की हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी H2 हो गया था, तो हम इसको H1 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। और अगेन लेट सपोज करें कि मैं इस हेडिंग 1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो यूजिंग इनलाइन मेथड मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि स्टाइलिंग यूजिंग इनलाइन, ठीक है, CSS मेथड, कि मैं बेसिकली इसको स्टाइल करना चाह रहा हूँ यूजिंग इनलाइन सीएस मेथड। तो उस केस में अगेन मेरे पास यहाँ पर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, और स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर अगेन हम वही सीएस का सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि वीएस कोड ने मुझे ऑटोमेटिकली इसका इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं लेट सपोज करें कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन राइट सिंपल बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वी एस कोड ने ऑटोमेटिकली कॉलन भी लगा दिया है और यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा दिया, और अब आपसे बेसिकली बैकग्राउंड कलर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये वी एस कोड ने आपको यहाँ पे ये फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टी का नाम भी जो याद रखने की जरूरत नहीं है और ये सारे सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वी एस कोड आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे मैं लेट सपोज करें बैकग्राउंड कलर रेड देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, रेड कलर के साथ ही मैं इसको कंट्रोल एस दबाकर सेव कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके जैसे ही मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो आपको अगेन मेरे ये जो वेबसाइट है ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगी और मुझे हेडिंग 1 मिल जाएगी जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 है जिसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड है, ठीक है। तो अगेन बेसिकली ये मेथड है इनलाइन सीएस का मेथड है, और अगेन इसको लोग रिकमेंड नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि अगेन एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग को कर नहीं रहे होते, क्योंकि जब भी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड मल्टीपल वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, लेट सपोज करें कि फॉन्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे फॉन्ट 300 चाहिए, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर लेट सपोज करें जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे जो है वो भी जो है रेड चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगेन इस पॉइंट के ऊपर इशू क्या है कि जब भी हम मल्टीपल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये हमारे HTML को काफ़ी जो है ना वो डर्टी कर देता है, मतलब HTML के अंदर यूजलेस कोड आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लोग इस इनलाइन सीएस के मेथड को रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मेथड एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक जो मेथड था वो था इनलाइन सीएस का। अब इस पॉइंट पर चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। और अगेन नेक्स्ट मेथड बेसिकली हमारा जो है वो है ये इंटरनल सीएस। इंटरनल सीएस जो है बेसिकली उस केस में क्या होता है कि आप अगेन सारे के सारे स्टाइल्स को एक ओपनिंग स्टाइल टैग और एंडिंग क्लोजिंग स्टाइल टैग में डिफाइन कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस केस में ये है कि आप अपने सारे के सारे स्टाइल्स HTML की एक फिक्स लोकेशन पर डिफाइन कर रहे होते हैं। मैं आपको ये भी डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं आता हूँ यहाँ से, और अब हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको फर्दर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर अगर मैं एक और एक हेडिंग बना लेता हूँ, लेट सपोज कर इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है, उसको हम सेव करवा लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पर अगेन यहाँ पर आते साथ ही आपने स्टाइल का टैग बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंटरनल सीरीज के स्टाइल, जब आप इंटरनली सीरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको बेसिकली जो स्टाइल का टैग इस्तेमाल करना है वो इनसाइड हेड इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हेड का स्टार्टिंग टैग है और ये हेड का क्लोजिंग टैग है, और उसी के अंदर अगेन हम सारे के सारे अपने स्टाइल्स इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के साथ ही अगेन यू गाइस कैन यूज़ स्टाइल टैग, और मैं जैसे स्टाइल टैग इस्तेमाल करके यहाँ पर आते साथ ही मैं इस हेडिंग को स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है ना बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे सीएस सिलेक्टर की, बेसिकली मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं H1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो अगेन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा H1, उसके बाद अगेन हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन हम वही प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इस्तेमाल करते हुए इस हेडिंग को रेड कलर दे देंगे, ठीक है, और उसको मैं सेव करवा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये वही सिंटैक्स है जो हम लोगों ने स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि ये मेरे पास सीएसएस का सिलेक्टर है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और उसके अंदर अगेन मेरे पास प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही अगेन आप दोबारा अगर मेरे लाइव सर्वर पे आएंगे तो आपको अगेन हेडिंग 2 मिल रही होगी जिसका बैकग्राउंड कलर भी रेड होगा। और अगेन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेट सपोज करें मैं इसको जो है वो एक्वा कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। एक्वा करवा के इसको सेव करेंगे तो अगेन आपको ये एक्वा कलर में इसका बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है बेसिकली हमारा इंटरनल सीएसएस मेथड। मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देता हूँ, ठीक है, दैट इज इंटरनल सी एस एस मैथड।
ठीक है। और अगेन यहाँ पर कुछ लोग इसको रेकमेंड करते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। इसको रेकमेंड ना करने का रीज़न ये है कि बेसिकली HTML के अंदर तो सारा का सारा HTML से रिलेटेड काम होना चाहिए, स्टाइलिंग का काम नहीं होना चाहिए, इस वजह से इसको लोग रेकमेंड नहीं कर रहे होते। और रिकमेंडेड तरीका वही होता है जो हमारा नेक्स्ट मैथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है एक्सटर्नल CSS मैथड। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं अपने एक्सटर्नल सीज मेथड के अंदर। तो अगर आप ऊपर ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल सीज का मेथड मिल जाएगा। इस केस में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि सीजेस की अलग से एक फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं और उस फाइल को हम लोग बेसिकली लिंक कर रहे होते हैं हमारी HTML के साथ। मैं आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगेन आप आ जाएँ अपने यहाँ पर VS Code के अंदर और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ style.css। ठीक है, अब जैसे ही आपने .css किया तो आप देख सकते हैं कि VS Code ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि CSS की फाइल होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नाम स्टाइल दिया हुआ है, आप अगेन डिपेंडिंग यू आर ऑन आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप abc.cs कर सकते हैं, xyz.cs कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको style.cs करके इसको एंटर कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पर आकर अब हम सारे के सारी स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन मैं वही काम करूँगा, H1 को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते ही उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा, राइट। ठीक है, और उसको हम सेव करवा लेंगे। और सेव करते साथ ही अगर मैं यहाँ पे index.html में आता हूँ तो मैं इस स्टाइल के जो टैग है जो मैंने लास्ट टाइम इंटरनल सीज़ मेथड डिस्कस किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करते साथ ही मैं इसको सेव करवा लेता हूँ। तो सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं अपने लेफ्ट साइड पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी हेडिंग टू डिस्प्ले तो हो रही है लेकिन उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड नहीं हुआ। लेकिन ऑल दो अगर आप मेरे यहाँ पे आके देखें तो मैंने style.css के अंदर यहाँ पर उसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती क्या की है, मैंने गलती ये की है कि मैंने CSS की फाइल डिफाइन तो की है लेकिन इसे style.cs की फाइल को मैंने अपनी HTML के साथ लिंक नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस फाइल को इस HTML के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए आप बेसिकली लिंक का टैग इस्तेमाल कर रहे होंगे और लिंक के टैग के अंदर आपने पहले रिलेशन डिफाइन करना है, और रिलेशन बेसिकली स्टाइल शीट है यहाँ पे मैंशनड है, और HRF के अंदर आपने बेसिकली फाइल का लोकेशन प्रोवाइड करना है। तो हमारे केस में फाइल है style.cs जो अगेन सेम ही लोकेशन में पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगेन जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव के साथ ही दोबारा अगर अपने लाइव सर्वर पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग का कलर भी जो है वो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाइल है वह प्रॉपरली मेरी HTML के साथ लिंक हो चुकी है। ठीक है, अब इस केस में ये जो तरीका है इस तरीके को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS। ठीक है, और ये रिकमेंडेड तरीका है। इसका रीज़न ये है कि आप सारी की सारी स्टाइलिंग एक अलग से हैंडल कर रहे होते हैं और यहाँ पर HTML में के अंदर सारे के सारे HTML से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आप अगेन ये सारी चीज़ें भी हटा सकते हैं जो मैंने मेथड यहाँ पर डिस्कस किए थे, और अब आप देख सकते हैं कि ये आपके जो पेज है मतलब जो HTML की फाइल है वो कितना क्लीन आपको लग रही होगी कि हम बेसिकली इसके अंदर सिर्फ HTML का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ स्टाइल शीट लिंक करवाई है और बाकी की सारी स्टाइलिंग हम एक अलग फाइल में कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका एक्सटर्नल CSS का मेथड जिसको बहुत सारे डेवलपर रेकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो तीन तरीकों से स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे HTML के अंदर। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे CSS सिलेक्टर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था CSS सिलेक्टर्स। अगर आप W3 स्कूल्स पे आएंगे तो आपको CSS सिलेक्टर्स का जो है वो टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा। और CSS सिलेक्टर बेसिकली समझ लो एक तरीका है जिसके जिसके जरिए आप बता रहे होते हो कि आप HTML के किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हो। ठीक है, और अगेन आप इसको अगर स्क्रोल डाउन करोगे यहाँ पर बिल्कुल इसके एंड पे आ जाओगे तो उन्होंने सारे के सारे सिलेक्टर्स यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं। ठीक है, अगेन एक सिलेक्टर बेसिकली ये कि जिसके थ्रू आप ID की बेस पे बता रहे होते हो, सेकेंड सिलेक्टर आपका बेसिकली क्लास बेस होता है, थर्ड सिलेक्टर आपका एलिमेंट बेस होता है। ठीक है, और अगेन अगर आप सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो स्टार बेस होता है। ठीक है, अगेन ये अभी आपको जो है वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, अगेन मान लीजिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोबारा VS Code के अंदर, और अगेन मैं काम करता हूँ फिलहाल CSS के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ से सारी स्टाइलिंग हटा देता हूँ और दोबारा index.html में आता हूँ ताकि हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर मैं काम करता हूँ और यहाँ पर मैं H1 हेडिंग्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ heading 1 और डुप्लीकेट करके मैं heading 2 बना लेता हूँ, heading 3 बना लेता हूँ और heading 4 बना लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इन सारी हेडिंग्स को जो है वो सिंपली डिफरेंट कलर देना चाह रहा हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाह रहा हूँ, उसको रेड देना चाह रहा हूँ, इसको एक्वा देना चाह रहा हूँ, इसको कोई और कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों की जो हेडिंग्स है उनको एक अलग अलग ID देनी पड़ेगी। ठीक है, जिस ID की बेस पे आप अगेन स्टाइल कर रहे होगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ और मैं लेट सपोज करेंगे फिलहाल के लिए मैं ID का इसको प्रोवाइड कर देता हूँ और ID में चारों को अलग दूंगा। लेट सपोज कि इसको मैं देता हूँ heading 1 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को आकर हम heading 2 कर देते हैं
ठीक है, और यहाँ पर थर्ड वाले को आके मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ और फोर्थ वाले को आके मैं हेडिंग 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने चारों की चारों हेडिंग्स को डिफरेंट आईडी दे दी है, तो अब मैं इस आईडी की बेस पर जाकर इन चारों को अलग तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। सेव कर लेते हैं, सेव करते साथ ही अगर मैं अपने अगर स्टाइल डॉट सी में आता हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे हैश का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। हैश का मतलब क्या है कि मैं बेसिकली किसी आईडी को टारगेट करना चाह रहा हूँ और मैं हेडिंग 1 को डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है, और ये बेसिकली जो हैश के बाद मैंने यहाँ पर जो वर्ड मेंशन किया है ये बेसिकली है मेरी हेडिंग 1, और हेडिंग 1 से मतलब ये है कि मैं बेसिकली इस H1 हेडिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने मेंशन की हुई। ठीक है, और अगेन यहाँ पर इस पूरी चीज़ को हम कंप्लीट जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, इसको हम बोलते हैं सीसेस सेलेक्टर। ठीक है, जो बेसिकली आईडी की बेस पे काम कर रहा है। अगेन सीसेस सेलेक्टर डिफाइन करने के बाद आपको ओपनिंग ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं कर्ली और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके अंदर आप जो है बेसिकली प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं रेड दे देता हूँ, और अगेन इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, सेकंड को हम ब्लू दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, और अगेन हम यहाँ ले आता हूँ इसको हम हेडिंग 3 कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडिंग 4, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको लेट्स सपोज करें एक्वा। ठीक है, तो हमारे पास अगेन हेडिंग 1, 2, 3, 4 चारों के चारों डिफरेंट आईडीज को हमने चारों के चारों डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे दिए। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको आप सेव करवा लें। सेव करते साथ ही अगेन अगर आप दोबारा अपने लाइव सर्वर पे आएंगे तो आपको चारों के चारों हेडिंग्स डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आईडी बेस्ड सेलेक्टर्स का, कि आप आईडी की बेस पे डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है अगेन वो क्लास बेस्ड है, मतलब अगर आप क्लास बेस्ड काम करना चाह रहे हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं कि सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द क्लास इंट्रो। ठीक है, आप वो काम भी कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, आप सिंपल यहाँ पर आएंगे, आप एक क्लास डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास सिनेरियो क्या है, मेरे पास सिनेरियो ये है कि मैंने ये जो H1 हेडिंग्स है मेरी वेबसाइट पर जितनी भी H1 हेडिंग्स होंगी उन तमाम हेडिंग्स को मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू देना होगा। ठीक है, तो उस केस में अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी को जो है ना वो अलग अलग आईडी देकर यहाँ पर अगर डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगेन वो करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पर आ जाएँ सीएस के अंदर, मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करते साथ ही मैं यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन इसको मैं कर दूंगा डॉट। क्लास का नाम डिफाइन करने से पहले आपको डॉट का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और डॉट के बाद आप क्लास का नाम दे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लेट सपोज कर देता हूँ कि क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन माय यूज केस। मैं नाम रख लेता हूँ कि कलर हेडिंग। ठीक है, कलर हेडिंग क्लास का नाम दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा लेट सपोज करें ब्लू। ठीक है, और अगेन ये बेसिकली मैंने क्लास डिफाइन कर दी। अब जिस जिस एलिमेंट पर आप ये क्लास डिफाइन करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगेन ये आईडी रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा, और जैसे ही आप क्लास के अंदर अगर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको वीएस कोड का इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपने एक सीएस की फाइल लिंक की हुई है और उसके अंदर आपने क्लास डिफाइन की हुई कलर हेडिंग की। ठीक है, और जैसे आप इसको कलर हेडिंग देंगे यहाँ पर कलर हेडिंग के साथ ही इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये क्लास सब पर इंप्लीमेंट हो जाएगी और सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। आप इसको अगेन लाइव सर्वर पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर इस क्लास का जो सिलेक्टर है इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि आप बेसिकली इस क्लास को बार बार अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने कल को कोई बटन भी यहाँ पर बनाना है जिसका मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है तो मुझे सिंपली वो बटन क्रिएट करना है, बटन का नाम देना है। ठीक है, और बटन का नाम के साथ ही अगेन मुझे सिंपल ये क्लास को जाकर इंप्लीमेंट कर देना है जिसको मैं अगेन कलर हेडिंग दे दूंगा। ठीक है, और अगेन मेरे पास इस पॉइंट पर आकर ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा बटन का। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास का। ठीक है, और अगेन ये कोड अगर लेट सपोज करें कि ये वाली जो क्लास है ये कल को फर्दर मैं दूसरे डेवलपर्स को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैंने यार अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है स्टाइल्स की और उसके अंदर मैंने ये क्लासेस इंप्लीमेंट की हुई है, आपने डायरेक्टली जाकर इन क्लास को इस्तेमाल करना और अपनी वेबसाइट को स्टाइल करना है तो वो ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास वो उस चीज़ों को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्लास सेलेक्टर्स का। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट का क्लास, और अगेन ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो जो है ये है कि आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं दोबारा अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आता हूँ और यहाँ पर साथ ही मैं
सब चीज़ों को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं H1 हेडिंग लगा कर मैं इसको करता हूँ, हेडिंग वन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट करते साथ ही अगेन मेरे पास ये स्नैरियो ये है कि मेरे पास बाय फैड में जितनी भी H1 की हेडिंग्स होंगी, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, मेरे पास एक स्नैरियो है, ठीक है। तो उस स्नैरियो को कैटर करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आकर डायरेक्ट H1 एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और H1 एलिमेंट को टारगेट करते साथ ही आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर मस्ट बी रेड, ठीक है, रेड हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये स्टाइल डॉट सी को पता लग जाएगा कि जितने भी H1 के एलिमेंट्स हैं उन सबको बैकग्राउंड कलर रेड देना है, ठीक है। उस पॉइंट पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको तमाम H1 हेडिंग्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड मिल जाएगा, जो बेसिकली हमारे पास ये एलिमेंट डॉट क्लास का सिलेक्टर था, ठीक है। अगेन ये बेसिकली किस पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये सिर्फ H1 टैग्स पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और अगेन अगर आप इसको मल्टीपल चीज़ में इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं वो काम भी आप कर सकते हैं, आपको सिंपल कॉमा दे के मैं चाह रहा हूँ कि ये H2 के लिए भी हो और ये पैराग्राफ के लिए भी हो, तो आप बेसिकली वो काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी H1 टैग्स पे भी इंप्लीमेंट होगी, H2 टैग्स पे भी इंप्लीमेंट होगी और पैराग्राफ पे भी इंप्लीमेंट होगी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपको सिंपली जो है वो जाकर यहाँ पर मैं अगर एक P टैग बना लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पैराग्राफ कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर इसको डुप्लीकेट करके मैं लेट सपोज करें एक H2 की हेडिंग भी बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर H1 के बजाय मैं इसको H2 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लेट्स सपोज करें कि हेडिंग टू कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास H1 भी मौजूद है, H2 की टैग भी मौजूद है और पैराग्राफ का टैग भी मौजूद है, और मैंने स्टाइल डॉट सीज के अंदर इन तीनों को मैंने कहा हुआ है कि आपने बेसिकली इन तीनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड रखना है, ठीक है। तो आप जैसे लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग वन का भी बैकग्राउंड कलर रेड है, हेडिंग टू का भी रेड है और पैराग्राफ का भी रेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो ग्रुप सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगेन आप इसको फर्दर यहाँ पर आकर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक और सिलेक्टर किला था जिसे हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर कह रहे होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि आप तमाम के तमाम चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आपको सिंपली अगर लेट सपोज करें मैं इसको स्टाइलिंग उठा देता हूँ और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सिलेक्टर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका वो ये है कि आपने स्टार लगाना है और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को डिफाइन करना है, ठीक है। स्टार का मतलब ये कि आप सारी की सारी चीज़ों को, मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं इसका अगर बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये कि वेबसाइट में जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो मेरी बॉडी है, चाहे वो बटन है, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो इमेज है, सबका बैकग्राउंड कलर ही क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। तो इसको जैसे आप सेव करवाओगे, सेव करते साथ ही आप दोबारा अगर वेबसाइट पे आओ तो आप देख सकते हो कि एक एक चीज़ आपकी जो है वो रेड हो चुकी है, आपकी बॉडी का कलर भी रेड हो चुका है, आपकी हेडिंग का कलर भी रेड हो चुका है और आपके पैराग्राफ का कलर भी रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, ठीक है। तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आएँ और इस सेक्शन को रीड करो ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस सीधे सिलेक्टर्स की मदद से आप कैसे अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर कर प्रॉपरली स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारी ये कॉन्सेप्ट भी रैपअप होता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ रह गई थी वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कमेंट्स का, ठीक है, कि हम सीरीज के अंदर कमेंट्स किस तरीके से लिख सकते हैं। और कमेंट्स को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल इसका सिंटेक्स ये है कि आपने फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपने बेसिकली अपना कमेंट डिफाइन करना होता है, ठीक है। और अगेन ये जो कमेंट है इसको सीरीज रीड नहीं कर रहा होता, ये सिंपल आपके कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आपके कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपल अगर यहाँ पर लेट्स सपोज करें मैं कमेंट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, और अगेन VS कोड के अंदर आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली वो ये कॉमेंट का सेक्शन बना देगा, ठीक है। और उसमें लिख देता हूँ कि दिस इज द यूनिवर्सल सिलेक्टर, और उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये कमेंट है, और अगेन ये आपको इसका वेबसाइट में कोई भी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपको कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस पॉइंट पे अगर मैं दोबारा अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए, जिसमें हमने सीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सीज का सिंटेक्स डिस्कस किया था, तीन तरीके डिस्कस किए थे कि जिस तरीके से हम सीज को ऐड कर सकते हैं, फिर हमने सीज के सिलेक्टर्स को डिस्कस किया और फिर हमने सीज के कमेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और सीज सिलेक्टर्स में आपको एक बात बता दूँ कि मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप इसको प्रॉपरली जाके एक दफा गो थ्रू कर लें ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से सिलेक्टर्स को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगेन अगर आप नीचे आएँ तो हमने आईडी बेस कर लिया था, क्लास बेस कर लिया था, एलिमेंट बेस भी कर लिया था, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया था, ये ग्रुप सिलेक्टर जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को कर रहे होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आप, मेरी सजेशन ये कि आपको इस एक दफ़ा जाकर उसको प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से सिलेक्ट कर कर प्रॉपरली स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इस पॉइंट पर हमारा लेक्चर नंबर जो 5 है वो रैप अप होता है, और कमिंग ऑन वीडियोस के अंदर हम यही काम कर रहे होंगे कि एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर कर प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज को चेंज करके प्रॉपरली स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।